सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैबुलस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले सेशन को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। अब हमने देखो वेक्टर पढ़ भी लिया, सारे कॉन्सेप्ट अपन ने इसके सीख लिए, बहुत ईजी सा टॉपिक है। और इसमें है क्या, सिर्फ उसकी डेफिनेशन, उसका जो आपको प्रोडक्ट करना आना चाहिए कि प्रोडक्ट जिसे आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसका तो मेन में फोकस है। उसी से रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सदिश ए वेक्टर आपको दे रखा आई के प्लस जे के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण होगा। आपको क्या दे रखा है, एंगल मेड बाई ए ऑन एक्स एक्सिस। ए वेक्टर आपको दे ही रखा है, आई के प्लस जे के है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या कोण बना रहा है वो अपन को बताना है। अब ये दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो इजी मेथड है कि हमको बताया कि आई के प्लस जे के अगर मैं बनाऊं तो वो किधर की तरफ जाएगा। तो पहला तो ये है कि अगर मैं ए वेक्टर बनाता हूं तो अगर मैं मानता हूं कि ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी यहां की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आई के वाली होगी। उसके बाद में ये जो एक्सिस है वो मेरी क्या है, वाई एक्सिस होगी। अब आपको वेक्टर ड्रॉ करना है और वेक्टर के बाद में क्या बताना है कि उसके एक्स एक्सिस के साथ में उस वेक्टर का कोण क्या बनेगा वो अपने को बताना है। अब इजी सी चीज है कि अगर मान लो वेक्टर बनाना है तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, आई के प्लस जे के दे रखा है तो मैं इसको ये लिखूं, आई के का मतलब क्या होता है, एक, और आई की डायरेक्शन, यानी ये एक वेक्टर बन गया। उसके बाद में प्लस वन जे के, ये भी एक वेक्टर बन गया। तो जो ए वेक्टर आया है वो टोटल कुल मिला के दो वेक्टर्स का सम ही तो है। अगर मैं यहां से चलूं तो आई के में मैं चला कितना, एक, यानी यहां चला। उसके बाद में यहाँ से कितना चलोगे, ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया, ये आई केप वाला हो गया। उसके बाद में दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर इसी आई केप से स्टार्ट करो, जे केप डायरेक्शन में है तो ये मैंने बना दिया जे केप। और इसकी भी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। यानी आपका जो टोटल वेक्टर बन रहा है ए वेक्टर वो कौन सा बना, वो आपका वेक्टर बनेगा। देखो ये यहां से आपने स्टार्ट किया था, आप यहां चले आई केप में, प्लस एक कदम कहां चले, जे केप में चले, तो टोटल मेरा कहां से गया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, तो ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है। तो कुल मिलाकर के अपने वेक्टर एडिशन में देखा था कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। अब जब भी अपन दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास दो चीजें आती है, एक तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है, और एक इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमको ये पूछा है कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में क्या कोण बना रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ही पूछ लिया तो मैं डायरेक्ट तो क्या करूंगा, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, तो आई और के में दे रखा है तो 1 + 1 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 1² + 1² बराबर कितना होगा, अंडर रूट में ये तो हो गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड। अब अगर मेरे को यहाँ से पूछिए डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए तो करना क्या होता है, इसके साथ में जो डायरेक्शन बनती है एक्स एक्सिस के साथ में उसको मैं लिखता हूँ किससे, अल्फा से। ये अपन ने वेक्टर जोड़ा था तब भी सीखा था। तो अगर मैं इसको अल्फा लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, टेन अल्फा बराबर। अब टेन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, तो परपेंडिकुलर क्या है, 1, बेस भी कितना है 1, तो 1/1, तो ये कितना है 1। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मतलब 45 डिग्री पे कितना आता है, टेन अल्फा का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आपको जो एंगल पूछा है एक्स एक्सिस कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। अगर ये वाई एक्सिस से पूछा था तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर 45 है तो यहाँ से भी कितना होगा, 45 होगा। तो वाई एक्सिस से भी कितना एंगल बन रहा है, ये 45 बन रहा है, और एक्स एक्सिस से भी कितना बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। चले आगे, नेक्स्ट आपके पास में है दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के मान। ए वेक्टर आपको दे रखा है और आगे आपको बी वेक्टर भी दे रखा है, तो बी के अनुदिश ए के घटक का परिमाण क्या होगा। तो आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और ऐसे बोला है कि एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर जो कंपोनेंट, जो घटक बनेगा उसका परिमाण कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। अब मैंने ये चीज़ आपको जब वेक्टर पढ़ाया था तब ये खास तौर पर बताई थी कि ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें पूछा क्या है, वेक्टर तो आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर ये दे रखा और बी वेक्टर ये दे रखा, और आपको ये पूछा है कि बी का एक अनुदिश आपको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, तो करें क्या जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि या तो इसका डॉट प्रोडक्ट करें या इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें या इसको जोड़े या घटाएं, ये करना तो अपन को आता है, लेकिन यहाँ पर करना क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो मैंने ये बोला था कि जब भी आपको लैंग्वेज में ये बोले कि ए वेक्टर का बी के ऊपर कंपोनेंट निकालो या बी का ए पर निकालो, इसका मतलब क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट बताओ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यही चीज बताता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होता है। इसका मतलब अगर बी का ए पर कंपोनेंट निकालना है तो मैं डॉट प्रोडक्ट लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
अब ए वेक्टर बी वेक्टर आपको करना आता है, डॉट प्रोडक्ट। तो करते हैं, देखो क्या आएगा। ए वेक्टर मैंने लिखा ये, तो ये हुआ आपका 2ik प्लस 3jk, ये मेरा हो गया ए वेक्टर। उसके बाद में बी वेक्टर अगर लिखना है तो डॉट लगाया मैंने, उसके बाद में मैंने लिखा मैंने आई प्लस जेके, ये मेरा क्या हो गया बी वेक्टर हो गया। चले अब यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ही तो आता है कोस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ आई का आई के साथ निकलेगा, तो यहाँ टू, जे का जे के साथ कितना है तीन, तो टोटल कितना आ गया पाँच। अब क्या आंसर पाँच होगा, तो यहाँ तो पाँच के साथ में कुछ और भी दे रखा है, तो हमको ये बता होना चाहिए कि अगर मेरे को बी के अनुदिश ए का क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, तो इसका मतलब ए का कंपोनेंट कितना होगा, ए कोस थीटा होगा। तो अगर ए कोस थीटा अगर मुझे निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड मुझे वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, तो ये मेरा आया पाँच, और बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट वन प्लस वन, यानी वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया अंडर रूट में टू। यानी ये एक चीज़ आपको निकालनी थी। अब ये तब निकाल सकते हो जब आपको ये पता होगा कि ए का बी के ऊपर कंपोनेंट और बी का ए के ऊपर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। तो ये मैंने क्या लिखा, ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव बाई अंडर रूट टू आ गई। तो फाइव बाई अंडर रूट टू ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट करना था। अगर मेरे को यहाँ पूछा जाता कि ए का बी के ऊपर कंपोनेंट निकालो, तो ए का बी पे कंपोनेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ता, बी कोस थीटा इधर रखना पड़ता और ए का मैग्नीट्यूड वहाँ लेकर जाता हूँ मैं, ठीक है। तो इजी सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, यदि आई केप जे केप और के केप क्रमशः एक्स वाई जेड के अनुदिश इकाई सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर्स है, तब सदिशों, एक तो सदिश आपको ये दे रखा है और एक सदिश ये दे रखा है, इन दोनों के बीच का कोण आपको पता करना है। अब कोण आपको पता करना है तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, तो कोस थीटा ही तो इनके बीच का एंगल होगा, यानी थीटा ही तो एंगल होगा। या आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, यानी ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी से साइन थीटा में आएगा मान। तो इजी तो अपने पास में क्या पड़ता है, कोस थीटा वाला करता है, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करना होता है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दो यहीं से, तो आई का आई के साथ वन होता है, अदरवाइज कितना होगा, जीरो होगा। तो ये सारे करोगे तो आई डॉट आई वन हो गया, प्लस यहाँ से भी आई डॉट आई कितना हो गया, जे डॉट जे कितना हो गया, वन हो गया, बाकी सारे कितने हो गए, जीरो हो गए। तो ये तो आ गया मेरा ये, है ना। अब इसको मैंने क्या लिखा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा बराबर कितना आया मेरा, टू। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल ही चाहिए, यानी ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, वो क्या है, ये थीटा है। तो थीटा को इधर रखो, बाकी सारों को उधर लेके आओ। सर मयो डिफेंस में पढ़ाते हो क्या, हाँ ऑफलाइन क्लासेस, आलोक शर्मा, नीलेश सोनी, हाँ मयो डिफेंस एकेडमी। ए बी कोस थीटा, हमको क्या पता है थीटा जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो थीटा ही तो कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, कोस थीटा को इधर रखा, बाकी सारे इधर ले आया, तो टू डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आई जे के है, तो अंडर रूट में कितना हो गया, थ्री हो गया। उसके बाद में यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट टू आएगा, तो ये लिखा मैंने अंडर रूट टू। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आपके पास में अंडर रूट टू बाई थ्री। तो आपका आंसर क्या है, थीटा बराबर, तो मैंने लिखा थीटा बराबर आंसर आएगा कोस इनवर्स अंडर रूट में दो बटा तीन, ये मेरा क्या है आंसर है। अब ऑप्शन देखते हैं, देखिए क्या है, ऑप्शन है साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक बट्टा अंडर रूट तीन, लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट दो बट्टा तीन, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में कोस इनवर्स दो बट्टा तीन की वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं होती, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बचते हैं दो, और दोनों किसमें, साइन के अंदर है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो ये कर लिया, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो साइन थीटा निकालना तो आसान है। कैसे निकालोगे, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन, ये तो हमको पता ही है। यहाँ से निकालते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना है, दो बट्टा तीन है, बराबर वन आ गया। वन माइनस वन बाई थ्री कितना हो गया, एक बट्टा तीन, तो यहाँ पर साइन और ये थीटा की वैल्यू कितने आ गया, अंडर रूट में एक बट्टा तीन, तो थीटा मेरा कितना आ गया, साइन इनवर्स अंडर रूट में वन बाई थ्री।
तो अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से करा तो मेरा आंसर कोस में आया, और उसको मैंने कोस को किस में चेंज कर लिया, साइन में चेंज कर लिया। ठीक है, इजी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यदि सदिश ए वेक्टर आपको दे रखा है कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, और दूसरा बी वेक्टर आपको दे रखा है कोस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे के, समय के फलन है, तो टी का वह मान ज्ञात करो जहां पर ये क्या हो जाए, परस्पर लंबवत हो जाए। तो बताओ देखिए क्या आएगा, आपके पास ऑप्शन है पाई बाई टू ओमेगा, पाई बाई ओमेगा जीरो और पाई बाई फोर ओमेगा। दो वेक्टर अगर उन लंबवत होते हैं तो उस केस में क्या होता है, दो वेक्टर अगर लंबवत हो उसका मतलब ये है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ए अगर डॉट बी कर रहा हूँ अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ए परपेंडिकुलर क्या है बी के है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए परपेंडिकुलर बी है। क्यों, क्योंकि ये जीरो कब होगा जब आपका कोस थीटा कितना हो जाएगा जीरो, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री का मतलब ए परपेंडिकुलर किसके होगा बी के। तो अगर ये ए परपेंडिकुलर बी है तो उस केस में इन दोनों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो आपको क्या बताना है, उस टी की वैल्यू बतानी है जहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए जीरो हो जाए। तो करते हैं देखो कैलकुलेशन बचती है, ये तो सीख गए बनके करना क्या है, बची हुई कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मुझे बताया कि सिर्फ आई का आई के साथ करूँगा बाकी जीरो है, तो ये आया मेरा कोस ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी बाई टू, प्लस में यह आया आपके पास में साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई टू, ये फंक्शन बन गया आपका टोटल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये तो सॉल्व करना मैथ का पार्ट है, ये बराबर कितना है आपके जीरो के। अब कोस ओमेगा टी इसको ए मान लेते हैं, कोस ओमेगा टी बाई टू इसको बी मान लेते हैं, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फंक्शन होता है, ये होता है आपका कोस ए माइनस बी का। तो मैंने लिखा कोस ए माइनस बी करने का मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई बराबर मेरा कितना है जीरो, आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ओमेगा टी बाई टू बचता है, तो देखो ये आपका कितना आएगा, क्या आएगा कोस में ओमेगा टी बाई टू बराबर कितना आया जीरो। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस जीरो, कोस कितने की वैल्यू जीरो होती है कोस, तो मैंने लिखा कोस पाई बाई टू, यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है। ये क्यों करा मैंने, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। अब यहाँ से देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा क्या ओमेगा टी बाई टू बराबर मैं लिख सकता हूँ पाई बाई, मेरे को क्या निकालना है t निकालना है। अब इस t के लिए क्या करोगे, तो उसे 2 काट दिया, t बराबर कितना आ गया पाई बाई ओमेगा, यानी मेरा पाई बाई ओमेगा ही क्या था राइट आंसर था। लेकिन मेरे को पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है, अगर मेरे को प्रोसीजर पता है उसके बाद तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कि अगर मान लो ये पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर जीरो आता है, ये है मेन चीज़, अगर ये आपको पता है उसके बाद में तो इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बना दो कर सकते हो आप, बाकी तो बची हुई कैलकुलेशन है। चेंज कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है कि ये आपको बता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट उसका कितना होगा जीरो होगा, या अगर मान लो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है जीरो आता है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है यदि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए डॉट बी बराबर जीरो है और ए डॉट सी बराबर भी जीरो है, तो ए के समांतर सदिश कौन सा होगा। एक चीज बताओ कि अभी अपन ने जस्ट डिस्कस करा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ रहा है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का एक ही मतलब है कि ए और बी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये लिखा, इसका मतलब ये है कि ए परपेंडिकुलर बी है, यहाँ से मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि ए किसके परपेंडिकुलर है बी के परपेंडिकुलर है। उसके बाद में ए डॉट सी भी जीरो दे रखा है, तो मैंने ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी जीरो लिखा, यहाँ से मुझे पता चला कि क्या है ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के। आपको पूछा है कि ए के समांतर सदिश कौन सा होगा, चार ऑप्शन आपके पास में है, चार ऑप्शंस पे अपन क्या करेंगे चर्चा करेंगे कि चार ऑप्शंस में क्या क्या चीज आएगी, ठीक है, तभी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी करते हैं, तो अगर मैं लिखूं ए ऑप्शन और मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरा ए वेक्टर ये है
और मान लो मेरा बी वेक्टर ये है, लेकिन ए और बी तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ऐसे नहीं बनाना चाहिए, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ए वेक्टर मैंने ये बना दिया और बी वेक्टर मैंने ये बना दिया, अब परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये एक की तरफ ले गया, क्रॉस बी करा तो डायरेक्शन क्या आई, बाहर की तरफ आई। अब जो बाहर की तरफ आ रही है वो ए की क्या है, ए तो इधर की तरफ है, और बाहर की तरफ मेरी क्या आ रही है, ये वाली आ रही है, तो ये तो आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो ये तो हमको बताइए कि अगर ए क्रॉस बी करोगे तो वो ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं कि बी प्लस सी करके देखते हैं। तो अगर मैं ये करूं कि बी वेक्टर मान लो इधर है, अब बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है ये तो किसी ने बोला ही नहीं, तो मैंने मान लिया कि बी और सी इस तरह से है, मान लो ये सी वेक्टर है, तो बी प्लस सी करोगे तो किधर आएगा, बी प्लस सी करते हैं तो बी प्लस सी करोगे तो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, ये आएगा मेरा बी प्लस सी, ये मेरा बी ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ मैं। अब एक चीज़ बताओ कि आपका ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी के है, आपका ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, सी के है, इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर बाहर मान लूँ तो वो बी के परपेंडिकुलर होगा, और अगर इसके भी होगा सी के परपेंडिकुलर होगा, या अंदर की तरफ मानोगे तो ही परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर मैं बी प्लस सी कर रहा हूँ तो बी प्लस सी देखो इसी बोर्ड पर है, और मेरा जो ए वेक्टर है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो वो तो फिर से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ए की डायरेक्शन के अंदर चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत हो गया। तो एक एक ऑप्शन पर चर्चा कर रहे हैं अपन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बी क्रॉस सी करो, तो यहीं पर आ जाओ। अगर मैं बी क्रॉस सी कर दूँ तो बी क्रॉस सी का मतलब बी क्रॉस सी करने पर रिजल्ट आ रहा है मेरा बाहर, या मेरा हो सकता है कि अगर वेक्टर इधर की तरफ हो तो अंदर, तो वो तो क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया। और हमको यही तो पूछा था कि एक ही डायरेक्शन समांतर कौन सा सदिश हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है। उसके बाद अगर बी और सी के देखोगे तो बी तो ए के परपेंडिकुलर है और सी भी ए के परपेंडिकुलर है, तो वो तो उसके डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं। लक्ष्य गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलें आगे, श्रीपाल जैन गुड, चलते हैं आगे ना ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो एक तो वेक्टर का सम दे रखा है आपको और एक आपको माइनस दे रखा है, और उनका आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसका ध्यान रखना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है, बता दो ये क्या है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए का ए के साथ में करो तो ए क्रॉस ए आएगा, तो मैंने लिखा ए क्रॉस ए, अब ये क्रॉस है लिख दिया मैंने। उसके बाद में ए का किसके साथ में, बी के साथ में, लेकिन क्या साइन है बीच में, माइनस का, तो मैंने लिखा माइनस ए वेक्टर क्रॉस मेरा क्या है, बी वेक्टर। राहुल कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, चले। उसके बाद में बी क्रॉस ए है और साइन कौन सा है, प्लस का, तो मैंने लिखा ये बी क्रॉस मेरा कितना आ गया, ए लिख दिया मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है बी क्रॉस बी, माइनस का साइन है, तो ये लिखा मैंने माइनस साइन और ये मेरा कितना हो गया, बी क्रॉस। अब बची भी इसकी प्रॉपर्टीज का खेल है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उनकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए क्या क्या है। पहली चीज़, खुद का खुद के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो गए, और क्रॉस का मतलब क्या करना होता है, अंगुली घुमानी पड़ती है तब रिजल्ट आता है तीसरे डायरेक्शन में, तो सेम के साथ में तो जीरो ही आता है, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो गया। उसके बाद में अगर ये लिखोगे तो माइनस बचा कितना, ए क्रॉस बी बच गया एक, तो ये मुझे पता नहीं है। उसके बाद में बी क्रॉस ए बच गया, तो ये लिखा मैंने बी क्रॉस ए। उसके बाद में ये तो कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ये टोटल माइनस जीरो। अब आपका रिजल्ट देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ऑप्शन है आपका जीरो, एक है बी क्रॉस ए, एक टू बी क्रॉस ए, इसका मतलब रिजल्ट आपका किस में आ रहा है, बी क्रॉस ए में आ रहा है। तो एक चीज़ देखो कि हमको ये बताया है कि बी क्रॉस ए एक तो हो गया ये, लेकिन हमको ये भी बताया है कि ये जो चीज़ होती है ए क्रॉस बी, इसको अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो वैक्टर के अंदर अगर इसका वैक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो माइनस का साइन होता है, यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, इसको अगर लिखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, बी क्रॉस ए लिखा जाएगा, प्लस आपका क्या बचा, बी क्रॉस ए और बच गया, तो टोटल कितना हो गया,
2B क्रॉस A बच गया, ऑप्शन डी लक्ष्य, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका कहता आ गया 2B क्रॉस A आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है, यदि दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर का योग सदिश ए प्लस बी, यानी दो वेक्टर का योग कितना आएगा, ए प्लस बी वेक्टर आएगा, और इसका अंतर कितना है, ए माइनस बी है, के लंबवत हो तो इनके परिमाणों का अनुपात होगा। यानी आपको ये बोला गया है कि ए वेक्टर बी और एक आपका है ए माइनस बी, ये दोनों आपस में क्या है, अगर लंबवत है तो उस केस में ए अपॉन बी निकालना है आपको। अब वही चीज आ गई, तीसरी बार ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है कि अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपस में क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब एक तो वेक्टर बना ये और एक मेरा वेक्टर ये है, ये आपस में क्या होने चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं, जीरो करोगे तो कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट मेरा कितना आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया। अंकित चावला, हेलो सर, सर लैब असिस्टेंट में फिजिक्स काम आएगी, यहाँ जरूर आएगी, लैब असिस्टेंट में साइंस के तीनों सब्जेक्ट आएंगे। ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हमको क्या पता है कि जब भी दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उस केस में ये रिजल्ट आता है। अब इसके बाद में बचा क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बच गया, तो मैं लिखता हूँ ए वेक्टर और मेरा डॉट ए वेक्टर, ये फर्स्ट वाला हो गया फंक्शन। उसके बाद में आपके पास है प्लस, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर माइनस का साइन, तो ये मेरा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। उसके बाद में बी डॉट ए आ गया, तो ये मैंने लिखा प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसके बाद में बी डॉट बी, तो ये मैंने लिखा कितना, माइनस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आया, जीरो। ठीक है, चले आगे। अब देखो यहां से खुद का खुद के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो कितना आता है, वन आता है, यानी उसी का स्क्वायर हो जाता है मैग्नीट्यूड का। तो ए डॉट ए करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। उसके बाद में ए और बी, इनके बीच का एंगल के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिख सकते। तो अगर मैं क्या करूँ, उसको पूरा का पूरा यूँ लिख देता हूँ, मैंने लिखा ए डॉट बी। अब आता है यहाँ पर, अगर मैं बी डॉट ए को ए डॉट बी करना चाहूँ, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमको बताया कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। अपने कॉलेज कहाँ की है, कॉलेज नहीं है, इंस्टीट्यूट है ना ये, तो ये कुचामन सिटी में है। अब वहाँ पर बी डॉट ए है, इसको आपको क्या करना है, ए डॉट बी करना है। तो मैं ए डॉट बी डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बताया कि ये किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये आया मेरा ए डॉट बी। उसके बाद में माइनस का कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो ए डॉट बी माइनस में और यहाँ पर प्लस में कितना है, ए डॉट बी है, तो टोटल कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गए, बचा आपके पास में ये, तो ये आया ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, बी स्क्वायर। मेरे को पूछा है ए डिवाइडेड बी, इसका रेशियो बताओ, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपके पास में वन आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको एक ही चीज़ में फोकस कर रहा हूँ मैं, वो फोकस क्या है कि दो वैक्टर का अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बची हुई क्या आपकी कैलकुलेशन है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी बराबर आपको कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, यानी उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, जीरो है, तो सदिश क्या होंगे, चार ऑप्शन आपके पास में है, तो सदिशों के बीच आपको कोण बताना है, यानी थीटा बताना है कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो एक चीज़ देखो कि ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अब एक चीज़ हमको बताया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होने से रहा, यानी ये तो जीरो नहीं हो सकता, बचा आपका बी वेक्टर, तो ये भी आपका जीरो नहीं हो सकता, यानी ये कुल मिलाकर के साइन थीटा जो है वो आपका कितना है, जीरो है।
तो इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। और साइन की जीरो कब आती है, जब साइन कितना होता है आपका, जीरो डिग्री होता है। तो इसका मतलब थीटा आपका कितना आएगा, जीरो डिग्री आएगा। तो जीरो पर आपका कितना हो जाएगा ये, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ए क्रॉस बी बराबर जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कौन से डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये ए ऑप्शन आपका सही है। अब इसके बाद में अगर पाई बाई टू देखोगे तो वन, पाई बाई फोर पर कितना होता है, वन बाई अंडर रूट टू, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, सही है। ठीक है, तो अगर अगर ऑप्शन में आपके पास में अलग से ऑप्शन हो कि यहाँ पर इसकी जगह अगर ए व बी दोनों हो, तो दोनों ही केस में कितना आएगा, देखो थीटा बराबर जीरो पर भी कितना आ रहा है, जीरो, और थीटा बराबर कितना पाई पर भी कितना आएगा, जीरो, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मुझे बताया कि ए क्या है, ए बी साइन थीटा मुझे जीरो के बराबर करना है। चले आगे, उसके बाद है दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, ए प्लस बी सी के बराबर है, सी वेक्टर जो है वो ए के लंबवत है। ये चीज़ ध्यान रखना, सी जो है वो आपको ए के लंबवत दे रखी है। इसके अतिरिक्त यदि ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, बराबर है, तो ए और बी के बीच का कोण आपको कैलकुलेट करना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो आपको दे क्या क्या रखा है कि सी वेक्टर इन दोनों का सम है, पहली चीज़, सी ए के परपेंडिकुलर है, और उसके बाद में ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से ये लिख दूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैंने लिखा सी वेक्टर के, ठीक है। अब सी वेक्टर आपका ए के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये ए के परपेंडिकुलर है तो सी तो मेरा इस तरफ है और ए मेरा किधर है, इधर की तरफ है। तो यहाँ से अगर मेरे को इनको सॉल्व करना है तो मेरे को सी को और ए को एक साइड लेके जाना पड़ेगा। तो एक साइड लेने जाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से लिखूँ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखो सी और ए एक साइड में आ गए और दोनों की डायरेक्शन का मुझे पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं बी वेक्टर लिखूँ तो देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए और कोस 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सी और ए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने लिखा कितना 90 डिग्री। उसके बाद में अगर बी है आपका तो मैग्नीट्यूड कितना है, ए और सी बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ टू और अंडर रूट ए, ये क्या आएगा आपका, मैग्नीट्यूड आएगा बी का। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको तो पूछा है कि ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, तो ए और बी के बीच का कोण कैसे निकालोगे, ए और बी के बीच का कोण निकालना है, सी का आपको पता चल गया। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से करोगे तो यहाँ से सी का बी का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो, पूछा बी का मैग्नीट्यूड ने हमको पूछा है कि ए और बी के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा। चौथा ऑप्शन आपके पास में, देखो देखे क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन क्या कर सकते हो। फर्स्ट आपके पास में पाई बाई फोर होना चाहिए, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई फोर, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, पाई होना चाहिए। अंकित चावला ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, बताओ देखे, डॉट प्रोडक्ट करा जाए क्या, क्या कर सकते हो, यहाँ से मुझे ये पता चला। अब B के अगर मान लो मेरे को एंगल चाहिए तो B का एंगल कैसे निकालोगे, तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। A वेक्टर प्लस ये आपको दे रखा है C वेक्टर के, और C का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, A के। तो मैंने लिखा C का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, पहली चीज़ तो ये। और सी परपेंडिकुलर भी किसके है, ए के है, ये भी हमको पता है, ठीक है। अब करना क्या है, अगर मैं यहाँ से इसको लिखूँ तो बी वेक्टर लिखता हूँ, तो बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की, ये भी मैंने लिख दिया। अब क्या किया जाए, यहाँ से मेरे को ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, ए और बी के बीच के एंगल के लिए क्या कर सकते हो, इनका सम हमको पता चल गया। अगर C की डायरेक्शन हमको पता चल जाए तो C की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है अपने पास में, C और A तो परपेंडिकुलर है,
सी और बी के बीच की डायरेक्शन पता चल जाए तो निकाल सकते होगे। करो देखिए कोशिश। अगर मैं ऐसा करूं कि सी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर, सर आपने कॉलेज कहाँ से की है? कॉलेज मैंने अजमेर से करी है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जीसी है वहाँ से। सर थोड़ा हिंदी में, ठीक है हिंदी में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए वहाँ बता दिया करो कि हिंदी इंग्लिश, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो बता दियो, हिंदी मीडियम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में साथ में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी अपने हिंदी में ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें तो देखो इसको आपको सॉल्व करना है। इसके अतिरिक्त यदि ए और सी आपको बराबर दे रखा है तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल है। तो हम क्या मान लेते हैं, ए और बी के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो देखो सी वेक्टर क्या आएगा, सी वेक्टर आपका ये है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो वो आपका आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कोस थीटा। ये थीटा क्या है, उसके बीच का एंगल है, ये निकालना है अपन को। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कि सी का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कोस थीटा। उसके बाद में ये सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी सी और ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, तो ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा आपके पास में ये, इसको इधर लेके आओ तो ये होगा टू ए बी कोस थीटा बराबर आपका कितना आया, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर लिखोगे तो बी से बी एक कैंसिल हो गया, तो यहां से आएगा कोस थीटा बराबर आपका कितना आएगा, माइनस बी अपॉन में टू ए आया, ये आ रहा है ये तो। लेकिन थीटा बराबर ये आ रहा है, लेकिन हमको किस में चाहिए, यहां पर पाई बाई फोर, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई फोर, पाई में। तो क्या करना चाहिए, अब हमको ये करना चाहिए कि देखो यहां से इस तरह से जब निकालोगे तो कैलकुलेशन काफी टफ हो रही है अपनी। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके अपन ने यहाँ सॉल्व करा कि सी एक तरफ लेके आ गए और ए को एक तरफ लेके आ गए, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने बराबर कर दिया, माइनस टू ए सी ए कोस थीटा, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से देखो बी और ए का रेशियो मेरे को पता चल सकता है, तो बी और ए का रेशियो आएगा वन बाई टू, और वन बाई टू कोस में कितना होता है, कोस थीटा अगर माइनस का वन बाई टू आ रहा है इसका मतलब ये आएगा कि माइनस कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई बाई फोर नहीं होगा, पाई बाई टू भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका क्या है, थ्री पाई बाई फोर सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसमें फोकस ये रखना है कि देखो हमको क्या क्या चीज़ें पता है, सबसे पहले वो लिखो, उसके बाद क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर आओ। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं किसी वस्तु पर, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान आपको निकालना है। तो अगर मान लो ये पार्टिकल है तो एक तो फोर्स लग रहा है इस पर कितना, 12 न्यूटन का, और एक लग रहा है मेरा 8 न्यूटन का, तो कोई सी डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक चीज़ देखो कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, अधिकतम कब लगेगा, जब दोनों एक साथ लगा रहे हो, यानी एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर दोनों अपोजिट लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और दोनों अगर एक साथ लगा रहे हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब अगर 20 न्यूटन 12 न्यूटन आपका इधर लग रहा है और आपको रिजल्टेंट कितना चाहिए, अधिकतम चाहिए यानी सबसे ज़्यादा चाहिए, तो 8 न्यूटन भी आप किधर लगाओ, इधर लगा दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वैक्टर को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो 12 और 8 कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन क्या है आपका सही ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि दो वैक्टर, एक तो दे रखा है 12 और एक दे रखा है 8, इन दोनों पर अगर बल आपका न्यूनतम होना चाहिए तब आप क्या करोगे, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, अपोजिट लगाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 न्यूटन आंसर आएगा। यहाँ कितना आपका 20 न्यूटन, यानी टोटल अधिकतम कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन जो है वो लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ए से एफ तक 6 सदिशों के परिणामों व दिशाओं के दिए गए चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए सत्य है। आपके पास में सारे वेक्टर्स बनाए हुए हैं, अब आपको बता इन चारों में से कौन सा वेक्टर्स हम एकदम सही है, कौन सा आएगा बताओ। देखें
पहला है बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। तो देखो बी वेक्टर कहाँ है, ये रहा नीचे, ई कहाँ है, ई मेरा है इधर, तो बी वेक्टर तो जा रहा है यूं और ई मेरा जा रहा है यूं, दोनों को जोड़ दो तो ये तो मेरा बी वेक्टर हो गया, ये मेरा क्या हो गया ई वेक्टर। जोड़ने का मतलब ये होता है आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, एफ मेरा जा रहा है इधर की तरफ, इन दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट किधर आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है इधर की तरफ, तो ये तो मेरा एफ आई नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है मेरा गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आओ, बी प्लस सी बराबर एफ कर दो, तो बी मेरा कौन सा, ये रहा, प्लस सी वेक्टर करो, यानी यहाँ आ गए प्लस सी वेक्टर का मतलब इधर सी वेक्टर, तो रिजल्ट मेरा किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, जबकि मेरा रिजल्ट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी देखोगे, डी प्लस सी, डी वेक्टर मेरा किधर है, इधर, और सी मेरा किधर है, इधर की तरफ, तो ये मेरा सी, तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये भी मेरा एफ वेक्टर नहीं है, तो ये भी क्या है गलत है। बचा आपके पास में क्या, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखते हैं, डी प्लस ई, डी मेरा ये रहा, तो डी मैंने बना दिया यहाँ पे यूं, ये तो हो गया मेरा डी वेक्टर, प्लस ई वेक्टर आपको करना है, ई वेक्टर किधर है, इधर, तो ये मैंने बना दिया ई वेक्टर। टोटल रिजल्ट मेरा कहाँ आया, टोटल रिजल्ट मेरा आया यूं, ये मेरा क्या है एफ, ये देखो ये रहा पास में एफ, ठीक है। तो कुल मिला के वैक्टर को कैसे जोड़ा जाता है वो अपन को डायग्राम से समझ में आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या है आपका, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। एक कण पर बल आपके पास में लग रहा है एफ इतना, के प्रभाव में वेग आपको दे रखा है, इससे गति करता है, तो कण पर आरोपित ताक्षणिक शक्ति आपको ज्ञात करनी है। अब हमको बताया कि शक्ति कब निकलती है, ताक्षणिक शक्ति अगर आपको निकालनी है तो एफ वैक्टर डॉट वी वैक्टर ही तो करना है, डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये मेरा है पी बराबर, इनका डॉट प्रोडक्ट के लिए आई को सिर्फ आई के साथ में, और जे जे और के देखना, क्योंकि हमको बताया कि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो अगर बीस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 120, तो यही हो गया। उसके बाद में 15 और ये 4, तो ये हो गया माइनस का 60, उसके बाद में माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया माइनस का कितना 15, तो आपके पास में ये कितना आ गया 60 माइनस 15, तो ये आया आंसर कितना 45। तो आपको ये बताना चाहिए कि पावर जो होती है क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट तो इजी है करना, तो जब आपको पता ही चल जाएगा कि करना क्या है उसके बाद, तो ये देखो ये तो कैलकुलेशन है तो कोई भी कर सकता है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि एफ डॉट वी जो होता है वो आपका शक्ति होती है, पावर होती है, तो यहाँ पर 45 जूल्स है पर सेकेंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, सदिश आपका एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालना है, इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, इन दोनों का लंबवत इकाई सदिश का मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट देखो अगर मैं ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर आता है, तो ये मेरा सी वेक्टर जो है वो ए के ही परपेंडिकुलर है और बी के ही परपेंडिकुलर है। हेलो सर, आपने कॉलेज कहाँ से किए, कॉलेज अजमेर से करिए, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से एमएससी करिए वहाँ से फिजिक्स से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर है वो ए के और बी के दोनों के क्या आएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हो, ये लोग सारणी बनानी होती है, अब सारणी के लिए सबसे पहले मैंने लिखा आई केप, इधर लिखा जे केप, इधर लिखा के केप, अब क्रॉस प्रोडक्ट ईजी है, देखो क्या करना है, यहाँ से टू ये मैंने लिख दिया टू, उसके बाद में प्लस टू और ये माइनस वन, इसका अगर लिखोगे तो ये लिखा मैंने सिक्स, ये हुआ माइनस थ्री, ये हो गया प्लस का टू। अब इसको क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले मैंने लिखा आई केप, आई केप के लिए यहाँ से कितना आएगा फोर, माइनस कितना आएगा फोर माइनस ये उठ के कितना हो गया थ्री हो गया, तो ये फोर माइनस थ्री, उसके बाद माइनस जे केप लिखा मैंने, तो ये आया माइनस जे केप, माइनस जे केप के लिए फोर माइनस और ये कितना हो गया प्लस का सिक्स, तो फोर प्लस सिक्स कितना हो गया टेन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्लस का के केप करोगे तो प्लस के केप बराबर कितना आएगा, ये आएगा माइनस का सिक्स, तो मैंने लिखा माइनस सिक्स, ये कितना हुआ माइनस का ट्वेल्व, तो ये लिख दिया मैंने माइनस ट्वेल्व, ईजी है, ये तो सॉल्व करना अपन को आता ही है। कम समझ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, देखो कुल मिलाकर के अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखा है
आपको ये बोला है कि इनके लंबवत एक इकाई सदिश निकालो। अच्छा कि ए वेक्टर अगर क्रॉस वेक्टर में करता हूँ बी के, तो जो मेरा सी आ रहा है, ये जो सी है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब हम इन दोनों के परपेंडिकुलर को वेक्टर ही निकालना है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो जो वेक्टर आएगा वो ए के ही परपेंडिकुलर आएगा और बी के ही परपेंडिकुलर आएगा, इसीलिए मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अब बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले एक सारणिक बनाओ, मैथ के अंदर सॉल्व करते हो। अब सारणिक में क्या करोगे, आई जे के मैंने लिख दिया, वहाँ से मैंने इसके कंपोनेंट लिख दिए, उसके बाद इसके कंपोनेंट लिख दिए। अब सारणिक को सॉल्व करना है, सारणिक को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यह आया मेरा कितना आई के माइनस टेन जे के और यह आया माइनस का 18 के केप। ये तो मेरा क्या आएगा, वेक्टर आ गया, तो आई माइनस टेन जे केप माइनस 18 के केप, ये तो वेक्टर आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अंडर रूट में नीचे कितना आएगा इसकी, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो नीचे आ ही रहा है आपके पास में, बचा क्या है देखो, ऊपर प्लस माइनस का फेयर है, तो लेकिन कैलकुलेशन ईजी है, देखो आई केप माइनस 10 जे केप प्लस 18 के केप माइनस में, ये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर हमको ये पता होना चाहिए कि अगर दो वैक्टर्स हैं और मेरे को बोला जाए कि इनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, तो मैं तो क्या करूँगा, ए क्रॉस बी करूँगा। अगर मेरे को बोला जाए कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। बस इतना से पता रखो, बाकी तो कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन तो अपन कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि यदि एक सदिश 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk, एक वेक्टर आपके पास में ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर है 4jk माइनस 4ik प्लस अल्फा के लंबवत हो, तो अल्फा का मान क्या होगा। अब देखो वही कॉन्सेप्ट वापस रिपीट हो गया कि अगर एक वेक्टर ये पूरा दे रखा है और एक वेक्टर ये पूरा दे रखा है, दोनों आपस में क्या है लंबवत है, और लंबवत कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। सर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक बार रिफ्रेश करके देखो वापस। सर बायो का स्टूडेंट हूँ, 11th में न्यू टीचर आएंगे तो फर्स्ट ईयर में उनकी लैंग्वेज समझने में लग गया। कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी क्लासेस भी लग रही है, जैसे आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो कल अपनी थ्योरी क्लास रहेगी, उसके बाद अपनी क्या रहेगी, थ्योरी की क्लास रहेगी, तो थ्योरी पढ़ो उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो है वो खुद में करेंगे। कल थ्योरी भी पढ़ते तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, इससे पहले वाला जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट किसके ऊपर, आपका वेक्टर के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको पढ़ो, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाएंगे। सर इसमें कट कट के आवाज़ कट के आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और आपको ये बोला गया है कि ये वाला और ये वाला दो वेक्टर आपके आपस में क्या है, लंबवत है। तो लंबवत कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। ये फोर्थ बार रिपीट हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, अब बची भी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ए वेक्टर मैंने लिख दिया, तो मैंने लिखा 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk, ये मेरा हो गया पहला वेक्टर ए वेक्टर। उसके बाद में डॉट मैंने लगाया, हेलो आवाज़ दिक्कत कट आ रही है, अब चेक करो, देखिए वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुकना देखो। हेलो हेलो अब आ रही सही आवाज़, आवाज़ सही आ रही क्या, एक बार देखो। देखे तो डॉट प्रोडक्ट करना है, एक वेक्टर तो मैंने ये लिख दिया, दूसरा वेक्टर देखो पहले जे केप दे रखा है, लेकिन पहले जे केप है तो अपन इसको पहले आई केप लिख लेते हैं, तो लिखने में तो क्या है, तो मैंने लिखा 4ik माइनस में ये प्लस 4jk प्लस अल्फा kk। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो कुल मिला के क्या आएगा, सिर्फ i का i के साथ देखो, j का j साथ और k का k साथ में, उसके अलावा अपन को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तुमको पता है डायरेक्ट ये करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा, इसको इससे करोगे तो 12 आएगा प्लस का, उसके बाद में अल्फा है उधर, इधर 8 है, तो ये मैंने लिखा 8 अल्फा बराबर कितना आना चाहिए, जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट टोटल कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैंने लिखा ये कितना आया, यह आपके पास में
माइनस 8 है, प्लस का 12 है, तो प्लस का 4 बराबर 8 अल्फा बराबर कितना आ गया 0। तो 8 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। और यहाँ से अल्फा में क्या लिख सकता हूँ, माइनस 4 बाई 8, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। तो अगर अल्फा आपका माइनस का हाफ होता तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। निकल चलें आगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है आपका सदिश ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बताओ। तो एक चीज बताओ कि अगर मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ए वेक्टर ये है और अगर मेरा बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी करोगे तो ए की डायरेक्शन में मैंने अंगुलियां घुमाई, और क्रॉस बी करा तो डायरेक्शन किधर आई, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं ये मान रहा हूँ तो ए क्रॉस बी से मेरी डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। दूसरी चीज, अगर मैं यहीं से बी क्रॉस ए कर दूं, तो बी क्रॉस ए करने का मतलब ये मैंने बी करा, क्रॉस ए करा तो डायरेक्शन किधर आ रही है, अंदर आ रही है। तो अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो डायरेक्शन किधर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो ये मैंने क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे को पूछा कि इन दोनों के बीच में डायरेक्शन का एंगल, इनके बीच का कोण कितना है, तो एक डायरेक्शन मेरी बाहर की तरफ, एक मेरे अंदर की तरफ, तो टोटल थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक तो बाहर की तरफ डायरेक्शन हो गई और एक अंदर की तरफ आपकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि एक क्रॉस बी आप करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, और बी क्रॉस ए करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी। चले आगे, ये अपने किसके थे, वेक्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको फिजिकल मीन पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीन क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मीन क्या होता है। उसके अलावा तो फिर कैलकुलेशन बचती है, वो अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कल अपनी जो क्लास रहेगी वो किस पर रहेगी, वन डायमेंशनल मोशन पर रहेगी। कुल मिला के जो कहानी है फिजिक्स की वो कल से स्टार्ट होने वाली है। ये तो कुल मिला के मैथ थी, अब मैथ के अंदर आता है वेक्टर का। तो मैथ का फिजिकल मीन आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर का फिजिकल मीन क्या है। रियल जो कैलकुलेशन है, जो यांत्रिकी है, मैकेनिक्स, वो अपने कल से स्टार्ट होने वाली है। 1D की क्लास अपनी कल रहेगी, उसके बाद में उसकी मैराथन क्लास में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन की भी मिलेगी। फेबुलस एकेडमी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ से PDF डाउनलोड करें। रेगुलर जब आप पढ़ते रहोगे, मैराथन क्लास आप लोगे, तो वहाँ से 100% आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हुए आपको नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस आपका 100% बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा 100 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, अपनी क्लास 5:30 बजे रहेगी इवनिंग के अंदर, वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।